हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्लैम्बिट ज्योति में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी लौंजी। फ्रेंड्स, ये खट्टी मीठी लौंजी सभी को बहुत पसंद आती है और अभी तो इसका सीजन भी है, तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक आम लिया है, ये 1/2 kg का आम है और हमने इसे धुल के छील लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं जिन्हें हम रोस्ट करके इन्हें पीस लेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मेथी दाने लिए हैं, 1/2 चम्मच कलौंजी ली है, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ लिया है, 2 साबुत मिर्च ली हैं और 1 चम्मच हमने यहाँ पे साबुत धनिया ली है। इसे हम कढ़ाई में 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, फिर इसे ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये खट्टी मीठी लौंजी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो गया है, अब हम उसे एक मिक्सी जार में डाल के उसे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला यहाँ पे बनके तैयार हो गया है और अब हमने एक कढ़ाई ली है, हमने उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गरम हो गया है और अब हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच कलौंजी डाला है और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा डाला है, 1 पिंच हींग डाली है। सबको हमने थोड़ा भून लिया है और अब हमने यहाँ पे कटे हुए आम डाल दिए हैं। आम को हमने 1 मिनट अच्छे से भून लिया है और अब हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच काला नमक डाल दिया है। काला नमक डालने से इसका स्वाद और दुगना बढ़ जाता है। नमक डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, आप खट्टी मीठी लौंजी कैसे बनाते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमने यहाँ पे 100 ग्राम गुड़ ली है जो हमने इसी में डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है। और अब हमने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है, पानी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच वाइट नमक डाला है। हमने यहाँ पे पहले भी 1/2 चम्मच काला नमक मैं डाल चुकी हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा ही नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और हमने यहाँ पे अपना आम का एक पीस निकाल के देखा है, बहुत अच्छे से हमारे आम पक गए हैं। और अब हमने जो यहाँ पे मसाला भून के जिसे हमने पीसा था उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। उसे डालने के बाद हम इसे 2 मिनट ढक के रख देंगे जिससे मसाला आपस में अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, हमारी खट्टी मीठी लौंजी बन के तैयार हो गई है। ये हमारी लौंजी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है, आप भी अपने घर पे बनाइए और अपने अनुभव ग्लैम्बिट ज्योति से शेयर करिए। अब फ्रेंड्स, हम अपनी खट्टी मीठी लौंजी एक बोल में सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी खट्टी मीठी लौंजी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपसे मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।